अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू वर्ल्ड प्रोग्रामर। रिसेंटली मैंने अपना लेक्चर वाइंड किया है कि हम बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आपको एक वेब व्यू बनाना बताता हूँ। तो थोड़ा से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती करते हैं, तो मैं वो गलती बताता हूँ आपको। तो मैंने एक वेब व्यू की एक्टिविटी बनानी है, तो न्यू और उसके बाद एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी। अब वेब व्यू को एक्टिविटी बनाने लगते हैं तो वो नाम ये रख देते हैं वेब व्यू। तो काइंडली ये नाम ना रखा करें जावा क्लास का, इस तरह से वो विजिट और क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि हमें विजिट को कॉल करना है या क्लास को कॉल करना। तो आप एक्टिविटी वेब व्यू रख सकते हैं, तो ऐसे रख सकते हैं, उस तरह से काइंडली ना रखें, ज़्यादा बेटर है। फिनिश ऐसे फिनिश करूंगा, ये एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी वेब व्यू की। और उसके अंदर वेब व्यू कैसे लगाते हैं और इसका थोड़ा सा क्या फ़ायदा होता है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वेब व्यू बेसिकली कोई आपको कहता है कि हमारी वेबसाइट ना एक मतलब अपनी ऐप में चला के दिखा दो, तो मतलब आप सिर्फ उसका वेब यूआरएल लेते हो और वेब व्यू को देते हो तो आपकी ऐप में ही उसकी वेब चलने लग जाती है। तो उसमें लगता है कि या खुद कुछ लोग ऐसे करवा देते हैं कि मेरे पास वेब व्यू में आप हमारी ऐप शो करवा दें, बाकी हम कर लेंगे, ठीक है। तो वेब व्यू के अंदर हमारी मतलब की वेबसाइट हमारे वेब व्यू के अंदर चलने लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमारी ऐप तो नहीं चल रही। तो वेब व्यू हम कैसे क्रिएट करते हैं, मैं इस एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट मैं वर्किंग नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। रिलेटिव लेआउट कंट्रोल अल्ट एल, तो मैं एक एक्टिविटी बना गया, तो मैं इसको एक वेब व्यू बनाऊंगा। वेब व्यू इसको मैच पैरेंट और आईडी मैच पैरेंट मतलब सारी चीजों को वो कवर अप कर ले। आईडी मैं इसको दूंगा वेब व्यू कंट्रोल आल्ट अरेंज, ठीक है। तो ये वेब व्यू बन गया भाई, इतना सी सिंपल सी कोडिंग है, कोई इतनी टफ नहीं है। तो थोड़ा सा यूजर ये गलती करते हैं, यहाँ पे सेम नेम विजिट करा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, तो वेब व्यू को कॉल करवाता हूँ, वेब व्यू, ठीक है। जैसे ही आप अगर यहाँ पे वेब व्यू रखते होते तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि आप क्लास क्लास कॉल करवा रहे हो या विजिट को। तो वेब व्यू इज इक्वल टू वेब व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट वेब व्यू, ठीक है, ये तो सिंपल है। उसके बाद वेब व्यू डॉट गेट सेटिंग डॉट सेट जावास्क्रिप्ट जो उसके अंदर होती है अनेबल टू हो जाए। उसके बाद वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट, ये क्या करता है कि आपकी ऐप में जो यू आर एल लोड हो जाता है तो वो आपकी ऐप को ही हिट करता है। अदरवाइज जब आप उस यू आर एल को हिट करोगे तो उससे रिलेटेड मतलब किसी ब्राउजर में आपको ले जाएगा, ये यू आर एल आप किसी ब्राउजर में ओपन करें आपके ऐप के थ्रू आप उस ऐप के अंदर जा रहे होंगे, तो ये लाइन का ये फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद वेब व्यू डॉट लोड यू आर एल, ठीक है, लोड यू आर एल, यहाँ पे आप यू आर एल कोई भी आप लिख के उसको लोड कर सकते हैं, जैसे गूगल का जो मर्जी। अगर आपने कोई एचटीएमएल पेज लोड करना हो अपना तो लोड डाटा होता है, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा, स्ट्रिंग नेम, मिनिमम टाइप मतलब टेक्स्ट एचटीएमएल, स्ट्रिंग इनपो नल या जो भी लिख देंगे तो उसके लिए होता है। तो हम फिलहाल इसी पर काम करते हैं, ठीक है, लोड यू आर एल। तो यहाँ पे मैंने गूगल का लिंक पेस्ट करना है, तो मैं जाता हूँ जी www.google.com, ठीक है, तो जैसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ जैसे ही मेरी ऐप लोड हो वेब व्यू लोड यू आर एल हो सेट जावास्क्रिप्ट जो उसके अंदर यूज होती है वो भी अनेबल कर दे, ठीक है। तो मेरी डैशबोर्ड में जाता हूँ जिसके अंदर मैं जाता हूँ वेब व्यू को कॉल करें, नेविगेशन एंड वेब व्यू। तो मैं अपने लास्ट इस पे पहुंचूंगा, इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन डेटाबेस का बताऊंगा कि हम ऑनलाइन वर्किंग होस्टिंग के साथ कैसे कर देते हैं। तो मेरा लेक्चर आज यहीं पे ऑफलाइन का खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, नेविगेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वेब व्यू सॉरी एक्टिविटी वेब व्यू डॉट बिजनेस, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक कर दो, कंट्रोल आल्ट है, ठीक है, इस लाइन को ब्रेक कर दो यहीं तक बस कंपाइल हो चले। तो ये वेब व्यू ऑन हो जाएगा, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, तो फिर थोड़ी सी कोड कोडिंग करके बताता हूँ।
तो यहीं पे मैं अपने ये लेक्चर्स खत्म करूंगा ऑफलाइन के। अब मैं ऑनलाइन होस्टिंग पे कैसे काम करते हैं, उनको परचेज कैसे किया जाता है, उसको लोकल सर्वर और होस्टिंग में कितना डिफरेंस है, हम तो ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ साथ ही आपको बताऊंगा ये लोकल होस्ट पे हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन होस्ट पे कैसे, PHP के अंदर हम कैसे APIs बनाते हैं, तो ईच एंड एवरी थिंग मैं आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जब ये ऑनलाइन कम्प्लीट हो जाएगा देन मैं इमेजेस का थोड़ा बताऊंगा कि वो हम सेंड कैसे करते हैं, सर्वर से कैसे पिक करते हैं, देन मैं थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाऊंगा कि हम प्रोफेशनली ऐप कैसे बिल्ड करें। ठीक है, तो ये वेब पे जैसे क्लिक हो मेरी ऐप लोड हो चुकी है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेब पे नॉट अवेलेबल आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर क्या है जी, मैंने मैनिफेस्ट फाइल में जाके इंटरनेट की परमिशन नहीं दी, तो मुझे ये ध्यान रखना है, भूल जाते हैं, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पहले नहीं किया ताकि आपको एरर बता दूं, ताकि आप बैठे ना रहें बाद में कि ये हो नहीं रहा। कंट्रोल आल्ट एल डाटा रेंज, आपने नेट की परमिशन देनी है और आपके मोबाइल में नेट होना जरूरी है, अदरवाइज ऐप काम नहीं करेगी। तो ये मेरी स्क्रीन है मोबाइल की, ठीक है, तो ये मैं लॉगिन हो जाता हूँ। उसके बाद वेब व्यू, और ठीक है ये मेरा आ गया गूगल। ठीक है, अब जैसे मैं इसको कुछ सर्च करता हूँ तो ये किसी के अंदर सर्च कर रहा है, किसी और ऐप पे मुझे लेके नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये उसने कैप्चा मांग लिया, आई एम नॉट अ रिपोर्ट, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं रिपोर्ट नहीं हूँ, मेरी अपनी ऐप है। तो अक्सर गूगल ने अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, तो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह सारा कुछ। अब ये देखो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे वापस गूगल के पेज जाना चाहिए था ना, तो ये वापस ले आते हैं मुझे अपनी ऐप पर। तो इसके लिए क्या करते हैं हम जी, तो इसकी वेब व्यू क्लास में जाता हूँ, कहाँ भी एक्टिविटी मैं एक ऑन बैक ट्रेस्ट, भाई ऑन बैक ट्रेस्ट जब इस पर वर्क करें तो मैं करता हूँ जी वेब व्यू डॉट कैन गो बैक, मतलब अगर वो आगे आ चुका है और बैक देना था तो उसे वेब व्यू डॉट गो बैक वापस चला जाए, एल्स जब वो वापस बिल्कुल अपने किनारे पे आ चुका है, मतलब उससे नीचे उसकी एक्टिविटी में आना चाहिए, तो उसे पर ऑन बैक है, मतलब उसको बैक कर दो। तो इतने चाहिए लाइन्स हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बताए आपका वर्क इंसान अच्छा होगा, आप इसको आप जिस तरह से मर्जी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपको ऑनलाइन डेटाबेस के बारे में बताऊंगा कि हम ऑनलाइन डेटाबेस पे वर्किंग कैसे करते हैं, इमेजेस कैसे पिक करते हैं, सारा कुछ एवरीथिंग और भी मजीद कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो सॉरी मैं नेविगेशन के अंदर आ गया, मैंने वेब व्यू के अंदर जाना था। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आ गया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे लोड हो चुके हैं, मेरा मतलब अपना ब्राउज़र छोटा सा बन चुका है, तो इधर वो सिक्योरिटी मांग रहा है, थोड़ी सी इसको सिक्योरिटी को पास करते हैं। ठीक है, तो मैंने सिक्योरिटी पास कर ली है इसकी गूगल की, भाई मैं रोबोट नहीं हूँ। तो ये देखें ये सारा कुछ मेरी ही ऐप के अंदर ओपन हो रहा है, एज अ लाइक मतलब जैसे मेरा छोटा सा ब्राउजर बन जाता है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, अक्सर छोटा सा ये ब्राउजर बना के अपलोड कर देते हैं जिसमें हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती थी, तो यूज़र को भी यही चीज़ चाहिए होती है, हिस्ट्री वगैरह सेव ना हो जाए, मुझे ऐसा ब्राउजर चाहिए, तो सारा कुछ वो इसमें काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा ब्राउजर बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे आ गया, वापस जाना चाहता हूँ, जैसे बैक प्रेस किया उसने बैक पेज पे आ गया, फिर बैक प्रेस किया फिर वो मेन पेज पे लेके आ गया जो सिक्योरिटी वाला था। ठीक है, इस तरह ये मेरा बैक ऑन बैक ये वाला वर्क करता है। और मैं जैसे अब वो आ गया, अब देखें सारा बिल्कुल बैक पे आ गया। तो इस तरह से वेब व्यू के अंदर वर्किंग करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं ऑनलाइन डेटाबेस के लेक्चर स्टार्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, और अगर कोई मसला आ रहा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।